जब वक्फ बोर्ड रुपेश गुर्जर को 1 करोड़ रुपया दे सकती है, उसकी बीवी को नौकरी दे सकती है, तो ऐसा कैसे हम सड़कों पर उतरेंगे इंसाफ के लिए? अगर इसे इंसाफ नहीं मिला अब कैसे हम थाने का घेराव करेंगे? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, अगर भेदभाव ना होता तो पुलिस का ये रवैया नजर ना आता। ये 1 करोड़ हम मुआवजा चाहते हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए तालिब के फैमिली को, जैसी रुपेश गुज्जर को दिया गया था। बच्चे की हत्या कर दी जाती है और उसमें उसका नुमाइंदे जो है गुंडागर्दी करते हैं और उन मुलजिमों को छुड़ाने के लिए थाने तक पहुँच जाते हैं। एक इंसाफ का बोलबाला हो, हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और इनके घरों पर भी प्रदर्शन करेंगे। वाले मतलब इस तरह से पैसे वाले गरीबों को सरेआम मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारा है। हम इस बात को तस्लीम कर लेंगे, चलिए भाई किसी को आपने नहीं दिया, आप हमें भी दे दिए। वक्फ बोर्ड पे तो पूरा अधिकार मुसलमानों का है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी से इनकम होती है वक्फ बोर्ड को। जब वक्फ बोर्ड रुपेश गुर्जर को 1 करोड़ रुपया दे सकती है, उसकी बीवी को नौकरी दे सकती है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता कि इनको भी, बाबू भाई को भी 1 करोड़ दिया जाए कंपनसेशन और उनकी बेटी को नौकरी दी जाए? क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात ये, जमुना के किनारे बटला हाउस जाकिर नगर जोगाबाई के तमाम ड्रग्स के पेडलर बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी ड्रग्स सप्लाई हो रही है जिसमें यहाँ की बीट कॉन्स्टेबल इन्वॉल्व हैं। आप ये देखिए, आप SHO से बात करिए, DCP से, तो कहेंगे आप बताइए हम कार्रवाई करेंगे। अरे कोई घर में रोड़ी बदरपुल लाता है तो तुम्हें थाने में बैठ के पता चल जाता है कि ये अपने घर में मरम्मत कर रहा है या ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो तुम्हारा राइट भी नहीं है, जो तुम्हें कोई कानून हक नहीं देता। ये बात कंस्ट्रक्शन रोकने का, उसमें सारी पुलिस जामिया नगर की कंस्ट्रक्शन पे लगी हुई है, कोई ना लॉ एंड ऑर्डर की बात है ना यहाँ पर जो जाम लगते हैं ना उनसे मतलब है। गुंडागिरी उरूज पर है, उरूज पर जिसको कहते हैं गुंडागिरी। एक गरीब का बच्चा मरा है, वो खुद तो इंसाफ ले नहीं पाएंगे, अवाम उनके लिए रोड पर निकली है, वो इसलिए निकली है कि उन्हें इंसाफ मिल सके और 1 करोड़ का मुआवजा मिल सके, जैसे कि हमारे गुर्जर भाई रुपेश को मिला था और आम आदमी पार्टी के इसी अमानतुल्ला ने उन्हें दिया था मुआवजा। तो हम ये चाहते हैं कि आपके कुछ कदमों की दूरी पर ये गरीब बच्चा मरा है, आपके घर की कुछ कदमों की दूरी पर ये बच्चा मरा है, उसी तरीके से आप इसे भी इंसाफ दें, इसे भी मुआवजा दें, अपना भाई समझ के दें। भेदभाव हो रहा है क्या लग रहा है आपको? भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, अगर भेदभाव ना होता तो पुलिस का ये रवैया नजर ना आता, पुलिस पे सख्ती ना होती, इस केस को दबाने की कोशिश ना होती, जो कि आम आदमी पार्टी के लोग इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, तो पुलिस को दबाया जा रहा है, तो पुलिस से कहा जा रहा है कि इस केस को दबाओ, इस आवाज़ को उठने ना दो, तो ये किसके कहने पर हो रहा है? ये अमानतुल्ला के कहने पर हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के कहने पर हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लोगों के कहने पर हो रहा है। हमने कैंडल मार्च निकाला है, आज पुलिस की गुंडागर्दी इतनी थी कि हमें पीसफुल तरीके से कैंडल मार्च भी नहीं निकालने दिया जा रहा था। ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सी डेमोक्रेसी है? हम बताना चाहते हैं इस सरकार को, इस दिल्ली सरकार को, इस केजरीवाल को भी, हम बताना चाहते हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे इंसाफ के लिए, अगर इसे इंसाफ नहीं मिला अब कैसे हम थाने का घेराव करेंगे? आने वाले टाइम में हम 1 करोड़ रुपये मुआवजा और बाबू भाई को 1 करोड़ मुआवजा और उनकी लड़की को नौकरी दी जाए। जब हमारी डिमांड यही है कि इंसाफ का बोलबाला हो, यहाँ के इलाके के तमाम नुमाइंदे, तमाम सियासतदान कौमी मंच पे एक मंच पे आएँ और गुंडागर्दी के खिलाफ बोलें और ये तानाशाही के खिलाफ बोलें और रूल ऑफ लॉ को कायम करके रहे। बस यही डिमांड है हमारी, इंसाफ मिलना चाहिए, गरीब का बच्चा था मारा गया, इंसाफ मिलना चाहिए। मुतालबा क्या है? 1 करोड़ रुपये का मुआवजे का मुतालबा है हमारा, अरविंद केजरीवाल से और ओखला के विधायक अमानतुल्ला खान से 1 करोड़ रुपए जल्द से जल्द तालिब के परिवार को फौरन दिए जाएं, वरना हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और इनके घरों पर भी प्रदर्शन करेंगे। क्या दिल्ली पुलिस आए के नारे यूं लग रहे हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस को जब हम लोग मुआवजा की हम डिमांड कर रहे हैं दिल्ली सरकार से कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस SHO आके हमें रोक रहे हैं। इतने तमाम का मजमा लगा हुआ है और दिल्ली पुलिस के SHO आके कह रहे हैं कि हम आपको प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, हम आपको पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। ये तो आप जाके SHO से पूछिए कि क्या वजह है, किसके प्रेशराइज में आके, प्रेशर में आके वो ये हम लोग को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पर हम दिल्ली पुलिस से थोड़ी 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं, हम तो दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं 1 करोड़ की,
और हम केजरीवाल से सरकार की मांग कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को क्या जरूरत पड़ती, उनको जरूरत थी कि हमें आके प्रोटेक्ट करते, हमारा साथ देते, बल्कि हमें रोक रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे। ये इंसाफ है? मतलब अब आप किसी के हक की आवाज़ को उठाने के लिए आप दूसरे लोगों को भी दबाएंगे, तंजीमों को भी दबाएंगे। मांगे क्या? मांगे ये 1 करोड़ हम मुआवजा चाहते हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए तालिब के फैमिली को, जैसी रूपरेश गुज्जर को दिया गया था। धर्म के नाम पे और मजहब के नाम पे भेदभाव ना किया जाए, हम चाहते हैं उनके भी 1 करोड़ का मुआवजा हो। दूसरी चीज़, हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर नौकरी दी जाए, तालिब की बहन को नौकरी दी जाए, हम ये भी डिमांड करते हैं। और अभी क्या मांगे? और जल्द से जल्द इंसाफ हो और जो भी अभी मुलजमीन पकड़े नहीं गए उन सबको गिरफ्तार किया जाए और तालिब की फैमिली को पूरा मुआवजा दिया जाए। राबिया सैफी की तरह ऐसा ना हो कि सिर्फ मुआवजे का वादा कर लिया जाए और मुआवजा ना पहुंचाया जाए। इसलिए हमारी डिमांड है कि इंसाफ हो और उनको मुआवजा मिले और उनकी बहन को, तालिब की बहन को नौकरी मिले वक्फ बोर्ड में। गिरफ्तारी अब तक अभी बहुत सारे लोगों को नहीं हुई, क्यों? बहुत सारी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी भी? हाँ, अभी कई लोगों की गिरफ्तारियाँ नहीं हुई हैं। हम यही जानना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है जो अभी तक बाकी लोगों की गिरफ्तारियाँ नहीं हुई। कितना बड़ा जुल्म हुआ कि एक बाप के सामने उसके बेटे को पीट पीट कर मार डाला गया और अभी तक पुलिस सो रही है, बाकी लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हम उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसा मतलब दुर्भाग्य है इस ओखला क्षेत्र का कि इतना भेदभाव से कि एक मुस्लिम बच्चे की हत्या कर दी जाती है और उसमें उसका नुमाइंदे जो है गुंडागर्दी करते हैं और उन मुलजिमों को छुड़ाने के लिए थाने तक पहुंच जाते हैं और उनको जो है वो मुआवजे देने की बजाय छुड़ाने के लिए पहुंचते हैं और उनको रूपेश को जैसे नौकरी दी गई, उनको 1.5 करोड़ का मुआवजा दिया गया, ऐसे ही तालिब के परिवार को 1.5 करोड़ मुआवजा और उनके परिवार को एक नौकरी दी जाए। वो घर में अकेला कमाने वाला था, बुजुर्ग बाप है, जवान बहने हैं, बताओ उनका सहारा कौन बनेगा? ये केजरीवाल या तो मुआवजा देगा वरना यही प्रोटेस्ट जंतर मंतर से लेकर के पूरे देश भर में घुमाएंगे और जो इनके नुमाइंदे हैं यहाँ गुंडागर्दी, जो ये गुंडागर्दी वाले नुमाइंदे इनके हैं, इनकी गुंडागर्दी के पतन का हम आगाज करते हैं जामिया नगर ओखला क्षेत्र से और इनकी गुंडागर्दी अब यहाँ नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। ये आप पुलिस से भी सवाल कीजिए कि अब तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही, इतनी देर क्यों की जा रही है यहाँ पर? मतलब क्या समझा जा रहा है गरीबों को? मतलब कोई हामी नहीं है गरीबों का? पैसे वाले मतलब इस तरह से पैसे वाले गरीबों को सरेआम मारेंगे, घर में घुस के मारा है। और ये जो ये सवाल हमसे नहीं, पुलिसकर्मी, दिल्ली पुलिसकर्मी वहां पर खड़े हैं, जाके उनसे कीजिए कि अब तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही, दिल्ली नगर निगम केस की तहकीकात क्यों नहीं हो की जा रही के लिए इन आम आदमी पार्टी के गुंडों बाहुबलियों का सामना कैसे करती? देखिए, मजबूत आदमी इलाके का कोई भी होता, जितने हमारे लोग यहाँ रहते तो ये हादसा ना होता, मगर वहाँ ज्यादातर डेली वेजर थे। बाबू भाई जो उनके वालिद थे वो खुद डेली वेजर हैं, पेंट करते हैं बिल्डिंगों में, बेचारे हाथ जोड़ते रहे। देखिए कितना दर्दनाक वाकया है, एक बाप को उसकी आंखों के सामने उसके बेटे को मारा गया, बाप हाथ जोड़ के मिन्नतें करता रहा, जालिमों को तरस नहीं आया, फावड़ों से मारा, जब बस न चला तो ईंटों से पत्थरों से मारा। तो ये इतना दर्दनाक वाकया है, इस पे पूरा ओखला की आवाम एक साथ खड़ी है। कुछ लोग सियासी फायदे के चलते सामने नहीं आ रहे, सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनसे हमारी उम्मीद है कि वो भी शायद उनका दिल पिघल जाए। वो वीडियो देख के दिल नहीं पिघला तो आप हमारी माओ बहनों का दर्द देख के पिघल जाए। अब वो आगे आए और इस बच्चे की हक की लड़ाई पे खड़े हों, इसे मुआवजा दिलवाया जाए। देखिए ये तो अपने ऊपर है, अगर आज सरकार चाहे तो आज इंसाफ दे दे, ये तो इंसाफ कोई सरकार को कोई रोक रहा है कि वो इंसाफ जो है कितने दिन में करेगी? भाई ये 4 दिन का वाकया हो गया है, आज कोई भी जिम्मेदार आदमी इन लोगों के बीच में आने को तैयार नहीं है, किसी ने आकर के इन्हें झूठा दिलासा नहीं दिया। हमारे दानिश भाई जो यहाँ से काउंसलर हैं वो बराबर मुस्तकिल इनके साथ में लगे हुए हैं और इन लोगों को अगर यहाँ पर अगर कोई कांग्रेस, मैं वैसे तो पार्टी की बात ही नहीं करता, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता उनके घर पर जाता है तो उसको कहते हैं कि आप सियासत कर रहे हो, अरे भाई तुम पूछोगे नहीं और दूसरा आएगा नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे गरीब लोग। जालिम के खिलाफ लड़ना अगर सियासत है, जालिम को रोकना अगर सियासत है, दंगे की चोट पे सियासत करेंगे, दंगे की चोट पे करेंगे। मजलूम का हाथ पकड़ना, मजलूम का सहारा बनना अगर सियासत है तो ये सियासत सुबह शाम करेंगे और जो रोक सके रोक के दिखाए। मजलूम आवाज की आवाज़ कौन सुनेगा? हम ये सियासत करेंगे, मैं मंजूर है, चाहे सजा कुछ भी हो देखी जाएगी इंशाल्लाह।